सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल समायला दुनिया व्लॉग्स। और आज हम अभी कहीं जा रहे हैं बाहर, तो आप लोग को चलो दिखाते हैं। हम रेडी हो गए हैं और बस एक बिंदी लगा ले, मायना खुद की टो पहना ले। कैसी लग रही है बताओ? सिंदूर थोड़ा लगा हुआ है, हम लगाने अभी नहीं जा रहे सिंदूर क्योंकि नहाए नहीं है, तो अभी इतना जल्दी जल्दी नहाना होगा नहीं क्योंकि खाना नहीं बना है। खाना का देखो सब रेडी करके रखे हैं, सब्जी काट के रखे हैं, चावल दाल धो के रखे हैं। ये सू नहीं पहनो, ये सू आपका गिर जाता, आप बेख्याल होके जाते हो पूरा गिरा देते हो। तो मायना भी रेडी हो गई है, मायना का भी लोग दिखाते हैं। हम सिंपल रेडी हो गए क्योंकि जाना है बाबू के लिए, मायना के लिए कुछ लेने जाना है और घर का काम बहुत फैला हुआ है। अभी बस रेडी हुए, जाए सामान लेके आए पहले। तो मायना ऐसी लग रही है, किलो दो ना हमको दो, मायना ऐसी लग रही है। ओफो, तो हम लोग जा रहे हैं मायना के लिए बुक लाने, जा रहे हैं तो बुक लाने जा रहे हैं हम लोग मायना के लिए। तो देखो चलो कौन कौन सा बुक लेते हैं मायना के लिए, आप लोग को वो दिखाते चलो। तो बने रहो हमारे साथ और हम आप लोग को दिखाते। इधर इधर आओ ना, पहना दे जल्दी, मुंह भी पोछना है आपका। थोड़ा ज्यादा नाटक करती हो आप, थोड़ा नाटक कम करो तो घर में बंद करके चले जाएंगे। दो मुझे आपसे कीटो पहनने आती है, बस बदमाशी खाली आती है। तो आप लोग बताओ, बताना जरूर कि कैसा लग रहा है ब्लॉग, ठीक है? चलो हमारा का जिंदगी भूज है, मायना का भी सुबह का ब्रेकफास्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, पता है थोड़ा बाकी, पर अब थोड़ा खिलाने लायक टाइम नहीं है क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। चावल दाल पहले से ही भिंगा के रखे हैं और बस बहुत कम है, 12:30 होने हो गया, देखो 12:20। तो चलो चलते हैं, हमारा हमें ख़त्म नहीं किया, इसका पानी लेना है मुझे। अब मुझे एक पानी के लिए मुझे एक बैग कैरी करना पड़ेगा। सोच सकते हो आप लोग कितना हेडेक हो जाता है हमारा। मुझे बोतल लेके जाना पड़ेगा, आने दिखाओ, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। चलो हम ही ले लेते, नीचे उतर के फिर दिखाते हैं। तुम लोग चले आए बाहर बहुत दिनों बाद। ये आदमी है सब निकलने नहीं, तो सरप्राइज दिया ना तुम्हें। कौन सा सरप्राइज, इतना दिन बाद निकलते हैं बताओ। इसीलिए तो सरप्राइज है, रेगुलर सरप्राइज नहीं है ये, मेरा दिमाग के अंदर जो बोलता है ना फ्रस्ट्रेशन, वो है जो मेरा अब नहीं हो रहा था तब सारा निकाल के लिया। यही है वो सब, मुझे पागल करने में इनका ही बेसी हाथ है, 100% इनका ही हाथ है। हम अगर पागल हुए तो, क्योंकि घर में रह रहे हम पूरा पक जा रहे हैं। चलो चलते हैं, देखो बुक का दुकान में क्या लेते हैं, पहले कहाँ जाएंगे? नहीं, बाबू को सामान लेने। चलो चलते हैं बस रोनी। हम लोग आ गए बुक दुकान के सामने, जा रहे हैं बुक लेने हमारे के लिए। अब जाएगी हमारा बुक के दुकान के अंदर, जा रही है अंदर कुछ बुक लेनी है उसे। अभी देखते हैं कि कौन सा बुक लेती है नहीं लेती है, लेके दिखाते हैं। चलो दिखाएंगे आप लोग को घर जाके क्या क्या बुक लिए, तो वो तो घर जाके दिखाएंगे, यहाँ भी ले लेंगे। बेटा अच्छे है, बेटा अच्छे राइटिंग डॉट 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 था ना, तुम्हारा को बुक थोड़ा, ये सारा हम खुद से डिसाइड करते हैं। मेरे बेटी का टीचर हम है ना, ये कभी डिसाइड नहीं करती ये सब चीज़। इसके पहले भी बुक लिए तो इनका कोई इसमें एक तो होता ना बात रखेंगे, वो नहीं था। अभी भी हम खुद से ही लेते हैं, खुद से ही डिसाइड करते हैं हमारा तो स्टेप बाई स्टेप कौन सा लेंगे। एक्टिविटीज बुक, चलो देखते हैं ये वाला बाद में दिखाएंगे आप लोग को, क्या कैसा कैसा बुक ले रहा हूँ आप बाद में दिखाएंगे, पहले ले लेते हैं। मेरा बुक का दुकान में आकर देखिए क्या कर रही है। मामा नहीं छूते, नेक्स्ट वीक है। अभी बुक का दुकान में आकर डांस कर रही है, कुछ दिन बाद बुक का दुकान में आकर पसीना छूटेगा बुक खरीदने वक्त। कितना पढ़नी है ये खोजा जा रहा है मायरा।
हम लोग बुक कंप्लीट हो गई है, अभी हमारा बिलिंग हो रही है, इसके बाद जाएंगे कलर के, कलर भी लेना है ड्राइंग के लिए। हम लोग बुक ले लिया, मायरा के लिए जा रहे हैं कलर लेने, हम मायरा को ड्राइंग सिखाएंगे तो ड्राइंग का बुक लिए तो इसके लिए कलर ले लेते हैं। और कुछ मायरा का राइटिंग कराने के लिए इसका स्केच ख़त्म हो गया, बोर्ड में कराते हैं तो स्केच भी लेंगे। अभी तो पानी पी रही है, अभी खाना खा के आई थी घर से, बाहर पानी पी रही है। मेरी तो मज़ा आ रही है, कितना मज़ा आ रही है तो पढ़ते वक्त मज़ा आता है। ये बुक भी कितना जल्दी कंप्लीट करेगी आप देखना। घर दिखाते हैं आप लोग, घर जाके घर दिखा क्या चलो कलर ले लेते बाबू, बाबू छोटा वाला स्केच भी लेना। जैसे जाने वाले थे अभी वैसे ही बारिश होने लगा ना बेटू, बारिश बारिश अभी जैसे बाबू के लिए कलर लिए, कलर लेके जाने वाले थे और बारिश हो रही, हमारा भीग जाएगी। ओ डर गई बाबू, तो डर गई ना बाबू, बाबू कैसे जाएगी, कैसे जाएगी बाबू, कैसे जाएगी बाबू, तो भीग जाएगी। जोर से बारिश होने लगा बाबू पीछे कर, चलो बारिश छूटेगा तो निकलेंगे। देखो कैसे ले जा रहे हैं हमारा, तो देखो भूल गए छाता नहीं लिए हम, बहुत बड़ा भूल हो रहा है, धूप का कड़ा बारिश के टाइम में सच में ये भी नहीं करना चाहिए कि धूप हो जाए, जो भी छाता लेना चाहिए, छाती छाता छाती बोल रहे छाता लेना भूल गए। हमारा तो देखो भी ऐसे ले आ रही है, बहुत देर तक हो गया, भूल नहीं सकते, बहुत टाइम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा हो रही है, उस वक्त से तो थोड़ा कम है लेकिन भींग सकते आराम से देखो, पर हमारा का सर बचा के ले जा रहे हैं इस तरह। बताओ आज का वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, देखो बारिश में भी हम आप लोग को ब्लॉग दिए देखे, तो आप लोग को कितना मज़ा आ रहा है जल्दी से बताना, ठीक है, मज़ा आया या नहीं आया, और हम लोग का ये करतूत देखना है और किसी को दिखाना है तो जल्दी से शेयर करो जल्दी। आपको एकदम फिर निकलने वाले दो दिन बाद, उस दिन बारिश होगा तो थोड़ा देख के जाना है क्योंकि थोड़ा दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना पता है क्या चीज़ के लिए, बोलते बाबू नहीं बोले, चलो जिस दिन जाएंगे ना उस दिन का फर्स्ट स्टार्टिंग करना ही बता देंगे, ठीक है, दो दिन बाद जाएंगे, बारिश कम रहा धीरे धीरे और ये कल तक का होने का बात है ना, यदि रही हो गया तो देखो गाड़ी दूसरा का गाड़ी दिखा रहे अपना नहीं अपना होगा, पहले अपना कॉन्फिडेंट उसको लूज नहीं करना चाहिए, राइट। और देखो ये मास्क नहीं पहनते हैं, हम सबको बोलते हैं मास्क पहनना चाहिए और ये मेरे घर का ही इंसान मास्क नहीं पहनता तो हम क्या बोले किसी को, हम भी पहनते हैं देखो निकलते हैं तो, लेकिन हम अभी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा नीचे की आवाज़ नहीं जा रही थी, चलो घर जाते पहले उसके बाद, नहीं तो फिर फ़ोन भींगते जा रहा है मेरा, तो फ़ोन भींग जाएगा तो वो भी ख़राब है, मेरे पास वो वाला वाटर प्रूफ फ़ोन नहीं है, पानी छूट गया लेकिन वो जो इधर उधर का पानी उड़ के फ़ोन में ही आ रहा है, टपक टपक करके आ रहा है, तो चलो चलते हैं घर। देखो इतना सारा रामायणा का शॉपिंग हुआ है, क्या हुआ है रामायणा को बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग के साथ वो भी शेयर करेंगे, हमारा इस बुक के साथ कैसे कैसे इंजॉय करती है वो वाला दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए। और जिसके जिसके बेबी है कैसे अपने बेबी को इंटरटेन करें पढ़ाने के लिए, शायद हम आप लोग को कुछ दे सके टिप्स, और आप लोगों को आप लोगों के पास भी अगर कोई आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और इस मैटर पे कल के ब्लॉग में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, इसी मैटर पर कि जिनका बेबी छोटी है तो इस ईयर एडमिशन ली है और जिनको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेनी है, जैसे हमारे को मैं नेक्स्ट ईयर एडमिशन करवाने वाला हूँ स्कूल में, तो उसके पहले कोशिश यही रहेगी कि अभी जैसे घर में स्टार्टिंग स्टडी जो भी है वो हम लोग कैसे करवा रहे हैं और आप लोग कैसे करवा, हम लोग कैसे करवा रहे हैं ये हम लोग दिखाएंगे, और आप लोग कैसे करवा रहे हो जिनके जिनके छोटी बच्ची है एडमिशन के पहले, वो भी आप लोग थोड़ा सा शेयर करना ताकि हम लोगों को और अच्छे से आइडिया मिले, हमारा को और ट्रेन कर सके ताकि एडमिशन के वक्त
एक क्लास मैंने मतलब इतना ट्रेनिंग दे मायरा को, या फिर मतलब आप लोग के भी अगर बेबी है ताकि उनका क्लास मतलब अप करा सके, क्योंकि बच्चे अभी घर में ही बड़े हो जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो यार वेस्ट नहीं करना है। तो उसका पूरा मतलब जो भी एज जाए उसको वसूल लेना है, इतना मतलब कराना है। मैंने घर में तो जो भी ज़्यादा चांप भी नहीं देना, बच्चे को इन्जॉय कराना है। तो हम जिस तरह से कराते हैं, अगर इसमें मेरा कोई कमी है तो आप लोग बताना जरूर, और अगर अच्छा है तो ये भी बताना कि नहीं आप बच्चे कर रहे हो। कभी कुछ आइडिया शेयर करना ताकि हम हमारा को और अच्छा से ट्रेन कर सकें। तो जल्दी जल्दी बताओ सब, और बुक शेयर करेंगे कल के ब्लॉगिंग में, क्या क्या बुक हमारे के लिए अभी से नहीं, आज का ब्लॉग में ही बता देंगे कि बुक क्या क्या लिए, क्योंकि ब्लॉग है अभी तो टाइम है अभी, तो इस ब्लॉग में जाके ही शेयर कर देंगे। उसके बाद तो अभी जाके काम है सबसे बड़ा, चलो घर जाते हैं तो उसके बाद भी बात करते हैं। बारिश तो कम गया, हमारे मज़ा ले रही है, खूब मज़ा ले रही है, क्योंकि पापा बहुत दिन बाद बाद बाहर ले आते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है हम लोग के साथ। तो चलो ब्लॉग बड़ा ना करें, घर जाके बुक दिखाए आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर बताना, जल्दी से कमेंट करो, जब तक घर जा रहे हैं कमेंट करो, फिर घर जाके मिलते हैं। एक आइटम घर आ गए, और पहले भूख लगा था, हम सुबह से कुछ नहीं खाए, 1:30 बजे हम आज टिफिन नहीं किए, तो अभी तुरंत ये लेते आए थे, तो इसमें से खाए और पानी पिए पहले, बस सिर्फ कपड़ा दिख रहा होगा ना, भींगा कपड़ा सूख रहा है, जगह नहीं उस रूम में नहीं रख सकते क्योंकि बाबू छोटी है, ठंडा लग जाएगा। तो इसके पहले भी बाबू का भूख लाए थे ना, इसी दुकान से लाए थे, जिस दुकान में अभी गए थे इस दुकान से ही लाए थे। तो हम आपको बाबू का भूख दिखा देते हैं फटाक से, ठीक है? तो बाबू का भूख क्या क्या आया है दिखा देते हैं। ये तो मेरा बेबी क्विक है, मेरा नया चप्पल टूट गया है तो उसको चिपकाना है। हमारा के लिए स्केच लाए हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड में लिखती है उस बोर्ड का स्केच सब खत्म हो गया था, तो वो लाए थे। और हमारा के लिए कलर लाए हैं, क्योंकि हमारा राइटिंग कर रही है, राइटिंग के साथ थोड़ा बोर हो जा रही है कभी कभी, तो उसे थोड़ा एक्साइटेड कराने के लिए हम ये कलर लाए हैं, कि हमारा थोड़ा कभी कभी कलर करेगी तो थोड़ा उसे मज़ा आएगा। और इसमें कलर है, कितना अच्छा अच्छा कलर है, वाह अच्छा हुआ बड़ा डब्बा लेके अच्छा किए, छोटा डब्बा लेने जा रहे थे तो ये बड़ा डब्बा लेके अच्छा किए कि नहीं बताओ। तो हमारा के लिए इतना सारा कलर आ गया, तो ये कलर बोला कि अच्छा है, बच्चा अगर गलती से भी मुंह में ले लेता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान का तो चीज़ होता ही है, खाना के सिवाय मुंह में कुछ लेना नहीं चाहिए, तो बोला है। हमारा वैसे करती नहीं है ऐसा कुछ, फिर भी जो दुकान वाला बोलता है वही हम भी बता दिए आपको। और इसको इसी में रखते हैं, क्योंकि इसे निकाल देने के बाद ये कहीं रखने का जगह नहीं है, तो ये अपना डब्बा में ही रहे तो बेहतर है। ये दो हो गया, ये तो हमारा मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार कलर कराएंगे, उसके बाद उसे लिखाएंगे डेली, एक मतलब एक दिन एक बुक का लिखाएंगे राइटिंग, नहीं ऐसा कुछ करेंगे कि एक दिन एक बुक का राइटिंग कराएंगे और बोर्ड में भी उससे लिखाएंगे। तो वो कैसे कराएंगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये एक दिन में उसको सारा बुक नहीं पढ़ाने बैठ जाने वाले हम, एक दिन एक बुक करेगी, दूसरे दिन दूसरा बुक करेगी, मतलब जितने बुक है लाइन से करते जाएगी, फिर जो बुक का लाइनिंग खत्म होगा फिर फर्स्ट डे जो की थी वही वाला फिर स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से। तो वो भी कैसे करेंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे। ये वाला ये हिंदी राइटिंग बुक है, ऐसे दिखा रहे आप लोग समझोगे भी नहीं, तो हिंदी राइटिंग बुक है हमारा हिंदी राइटिंग अभी तक की नहीं है, क्योंकि वो उसमें हिंदी में मज़ा नहीं ले रही है, तो इसका स्टार्टिंग ये सब शायद करेगी ना तो हमारा थोड़ा मज़ा ले पाएगी। तो ऐसा ऐसा हम करा चुके हैं, ऐसा ऐसा करके हमारा को 1-2 लिखाने सिखाए थे हम, तो इसमें थोड़ा और भी मिल गया जो हमारा यहाँ से करेगी, ये सब देख देख के करेगी तो उसे शायद थोड़ा मज़ा आ सके, तो आएगा ही आएगा जिस तरह से हम कराने वाले हैं। और हमारा के लिए कलर बुक लिए, देखो हमारा देख देख के कलर करेगी, सबसे छोटा स्टार्टिंग का लिए एकदम, कलर तो आती नहीं है ना, तो कलर में उसको मज़ा दिलाया इसके लिए ले आए, ऐसा ले आए, एक तरफ किया हुआ रहेगा एक तरफ करेगी, है ना, ये वाला बेहतर है। तो ये वाला हम फर्स्ट कराने वाले हैं, फर्स्ट ये वाला। उसके बाद एक और ले लिए थे कलर बुक, मिल नहीं रहा था तो मिल गया तो 2 ले लिए, एक को साइड करके रख देंगे, एक खत्म हो जाएगा पूरा बुक, उसके बाद दूसरा बुक का स्टार्टिंग कराएंगे। और ये भी एक कलर बुक है, ये भी सेम है, पर ये थोड़ा बड़ा है, पर पीछे जाके मतलब और अंदर जाने के बाद थोड़ा चेंज है, मतलब वैसी है, 2 मिल गया ले लिए। इसके में एक्स्ट्रा क्या पता है, यहाँ से बनाना भी है, एक बुक में कर लेंगे ना तो मज़ा आने लगेगा, तो यहाँ से इसको सेप भी बनाना है, दिखाते हैं इसमें नहीं है सर, जिसमें भी सेप बनाना है ना उसको हम नहीं बनाना है इसमें, वो दूसरे में था जो हम छोड़ दिए। ये दोनों ही करेगी, दोनों सिर्फ कलर करना है, देख देख के दोनों बुक ही कंप्लीट कर लेगी, तो उसके बाद दूसरा ले आएंगे जिसमें मतलब एक तरफ बनाया हुआ रहता है छोटा सा, एक बना के देता है और एक बगल में खाली देता है जहाँ बनाना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट टाइम लेंगे जब हमारा ये सब कर लेगी तब। और हमारा तो पोयम का रैम्स बुक पूरा ख़त्म कर चुकी है, हिंदी का पोयम, इंग्लिश का रैम्स, तो हमारा सब ख़त्म कर चुकी थी, मतलब ख़त्म मतलब सब याद कर चुकी है बहुत अच्छे से। तो नया ले आए हैं फिर से कि देखिए, तो ये नया हिंदी रैम्स फिर से ले आए हैं, इंग्लिश का नहीं मिला, इंग्लिश का मतलब थोड़ा ऊपर का मिला था, एक ही बार 8 लाइन 10 लाइन का पोयम था, तो हमारा नहीं कर पाती बेकार, वो ज़्यादा बच्चे पे हेडेक नहीं देना चाहिए, तो जिसमें मज़ा आए बच्चे को वैसा वाला लिए। ABCD का सेम राइटिंग लिए हैं, इसमें भी ABCD है वैसी,
देख सकते हो। फिर 1-2 का भी लिए हैं सेम, पर 1-2 में थोड़ा अच्छा लगा मुझे। 1-2 करेगी, 1-2 करेगी, फिर 20 के बाद से यहाँ पे एग्ज़ाम होगा इसका, इसी में एग्ज़ाम जैसा है, थोड़ा सा अलग है। फिर 20 के बाद से फिर यहाँ पे और भी इस तरह का मतलब कम कर दिया राइटिंग, पहले ही बच्चा सीख जाएगा ज़्यादा ज़्यादा लिख के, तो फिर इधर कम लिखेगा तो सीख जाएगा मम्मी। और एक लिए जो मेरा इच्छा था, मेरा ABCD होता ना, ए फॉर एप्पल, वो एक वर्ड का मतलब, ए फॉर एप्पल एक ही मीनिंग सीखी थी, तो हम एक दूसरा लिया जिसमें मीनिंग चार है। ये ए फॉर जित चार मीनिंग है इसमें, तो वो वाला बुक लिया एक, बस बस इतना ही काफ़ी है। एक बुक एक्स्ट्रा है, अब नहीं खाओ, बस हो गया, जूस पिएगी। नहीं 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 अब नहीं खाने देना है, बाद में चलो। तो कैसा लगा आप लोग को ये बताओ। तो हमारे का एक बुक एक्स्ट्रा है जो रहेगा, और एक ड्राइंग का बुक है, 3 राइटिंग का बुक लाए हैं, और एक मीनिंग्स का बुक लाए हैं, एक हिंदी पोएम बुक लाए, रैम्स बुक लाए, और इंग्लिश का रैम्स बुक नहीं मिला जो कि बड़ों का था, तो उतना बड़ों का लेके जोर जबरदस्ती नहीं करना था। चलो कोई नहीं, वैसे भी इस बुक जो भी घर में बुक है उसमें का शायद 1-2 रैम्स है जो मतलब थोड़ा लाइनिंग थोड़ा अलग अलग है, बड़ा बड़ा वर्ड है, तो वो वाला मैंने कुछ याद नहीं हुआ, बीच में बोलना पड़ता है तो हमारा बोल लेती है, तो याद नहीं हुआ, तो उसी को पढ़ेगी अभी। और क्या हमारा सब गिर जाएगा बाबू उसके अंदर रखो। तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, आप लोग बताओ। अभी तक खाना नहीं बना है, अब इसके बाद जाएंगे हम खाना बनाने, घर का काम करने, हमारा को नहलाने, घर का पूरा काम है, तो बार बार अभी इधर नहीं हो सकता, तो ये ब्लॉग ऐसे भी बड़ा हो गया। आप लोग को कैसा लगा ये बताओ। अच्छा मेन चीज़ तो फिर भूल गए हम, आप लोग को दिखाने हम अपने लिए क्या लिए, हम वहाँ पे नहीं ले पाए थे क्लिप, तो आप लोग को अभी दिखा देते हैं। चलो दिखाई देते हैं ये वाला भी। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग प्लीज़ बताना, जल्दी कमेंट करना। आई लाइनर का नहीं, आई लाइनर बोल रहे, ब्लू हेवन का मस्कारा लिए हैं, मस्कारा क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसीलिए, और वाटर प्रूफ वाटरप्रूफ ओसिया का आईलाइनर, ठीक है, इसका दाम नहीं बताएंगे, बहुत दाम है। और बस एक नेल पेंट लिया है, 170 रुपया का ये वाला एक तो नेल पेंट है, कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो हम ले लिए, वैसे लेते नहीं हैं पर ले लिए, मुझे चाहिए ये वाला, क्यों चाहिए हम आप लोगों को बताएंगे, तो इसका कलर आप लोग को दिखाएंगे हम। तो ये पिंक नहीं है, इसमें थोड़ा ग्लोजी ग्लोजी है, तो अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं जाना है इसीलिए हम लिए, तो आप लोग आप समझ सकते हैं मुझे कहीं जाना है, तो स्पेशली तो इसीलिए वाला सामान लिया है। वैसे बस मेरे पास लाइनर था पर वो लाइनर मेरा सूख जा रहा था, तो इसीलिए हम एक नया लाइनर ले लिए, बहुत ही अच्छा है, डीप ब्लैक है। तो चलो अब कैसा लगा आप लोग को बताओ, और 2 दिन बाद जाने वाले जहाँ वहाँ से भी आप लोग को दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसमें कैसा लगा आप लोग बताओ, ब्लॉग बड़ा हो जा रहा है, कैसा लगा क्या बोले जा रहे हैं। चलो अब हम काम करते हैं, चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और हमारा को ये मत बोलना कि इतना बुक पढ़ा के उसे क्या करने वाली है और बोर करने वाली है, बोर नहीं करने वाले हैं, आप लोग के साथ सब शेयर करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, गए थे तो एक ही बार में ले लिए, तो चलो दिखाते रहेंगे आप लोग को।